हेलो दोस्तों, आप सभी का वी क्लासेस में स्वागत है। तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी के लिए एक मैसेज या एक मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आज आप देख रहे हैं कि हमारे इंडिया में फिर से जो COVID-19 की जो केसेस हैं बढ़ रहे हैं, हो सके तो आप सभी लोग मास्क लगाएं और जो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका यूज करें और लोगों को इस गाइडलाइन के बारे में बताएं, क्योंकि जो वायरस है फिर से म्यूटेंट हो गया है। आप लोगों ने जान ही लिया होगा कि अब इंडिया में भी एक नया डबल म्यूटेंट वायरस जो है इंडिया में फैल रहा है और इस वायरस का जो पावर है यह तो अभी बताया नहीं गया है कितना क्या है। बट पावर देखो, कुछ भी हो ना, हमारी सेफ्टी हमारे हाथ में होती है। अगर हम मास्क पहनेंगे तो हमारी सेफ्टी हमारे साथ साथ हमारी फैमिली की भी है। तो आप ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपकी फैमिली तो उस चीज में जाएगी, आपके साथ से जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं उनको भी दिक्कत होने वाली है। तो आप मास्क लगाए, 2 मीटर की दूरी रखें और सभी को सुरक्षित रखें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं, हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज मैं आप सभी के लिए एक दूसरी वीडियो लेकर आया हूँ। आप सभी ने मेरी जो पहली वीडियो थी वोकैबुलरी डोज का पहला पार्ट देखा हुआ है और आप में से बहुत से लोगों ने उस चीज उसको पसंद किया और मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप पर मैसेज भी किए। एक मेरी स्टूडेंट है जिसका मैसेज मुझे बहुत पसंद आया और मैं उसको धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि उसने एक वैल्यूएबल कमेंट मेरे को दी और उससे मुझे मोटिवेट मिलता है। ऐसी कमेंट आप भी करें मेरी वीडियो पर और हो सके तो आप हमारे चैनल को शेयर भी करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि मेरा पर्पस सिर्फ लोगों को सिखाना है, ना कि कुछ कमाना है। चलिए हम बढ़ते हैं आज की यह सीरीज पर। यह सीरीज भी हमारी कुछ उसी तरह है, उस लास्ट सीरीज में हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को लिया था, बट इस बार मैं आपके लिए कुछ ऐसे 10 वर्ड्स लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन वर्ड्स को हम डेली लाइफ में तो यूज करते हैं और यह हमारी इंग्लिश को भी इम्प्रूव करते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले एक आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी मोटिवेशन लेकर आया हूँ, एक ऐसी कोटेशन जो आपको प्रेरणा भी देगी। द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, द रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर, बट फ्रूट इज स्वीट। फ्रूट होता है वो कैसा होता है, स्वीट। इसका हिंदी मतलब क्या है, तो हिंदी में जो हमारी शिक्षा की जड़ें कड़वी है, जो शिक्षा है ना, एजुकेशन की जो जड़ें हैं वो कड़वी है पर इसका फल बहुत ही मीठा है। पहला वर्ड मैंने आप सभी के लिए लिया है तो वह क्या है आपका, एग्रीवेट। क्या है आपका, एग्रीवेट। अब बात आई एग्रीवेट, तो इसका जो हिंदी मीनिंग होता है ना दोस्तों, तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उत्तेजित करना। क्या होता है, उत्तेजित करना, मतलब किसी चीज पे किसी को गुस्सा दिलाना या उसको एंगर दिलाना। तो एग्रीवेट का मतलब क्या होता है, उत्तेजित करना। इसका मैंने एक इंग्लिश वर्ड भी लिया है, टू मेक अ बैड सिचुएशन रस, जो ये इंग्लिश का मीनिंग, मतलब इस ऐसे सिचुएशन को बहुत ज्यादा खराब कर देना, किसी सिचुएशन को जो बुरी सिचुएशन है उससे भी बुरा कर देना। मैं आप सभी के लिए इसका एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ। मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन, मिलिट्री एक्शन वुड ओनली एग्रीवेट द सिचुएशन, मतलब अगर हमने इस जगह पर मिलिट्री एक्शन किया तो जो स्थिति है वह और ज्यादा उत्तेजित हो जाएगी या और ज्यादा रश हो जाएगी। आई होप आपको यह वर्ड समझ आया होगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है, ऑस्पिशियस। क्या है, ऑस्पिशियस। इसका हिंदी मीनिंग होता है आपका शुभ, और यह वर्ड बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक त्योहारों का देश है, इसमें इस वर्ड का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब इस वर्ड में ना बहुत सी चीजें भी छुपी होती है, जैसे ऑस्पिशियस यानी हमारी जो कार या हमारी जो वर्क होता है ना वो शुभ हो, तो इस ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, शुभ होना, कोई चीज शुभ होना यानी होली होना यानी पवित्र जैसा होना। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करते, कोई वर्क स्टार्ट करते तो सोचते कि हमारा काम जो हमारा वर्क है वो शुभ हो, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑस्पिशियस। तो ऑस्पिशियस का मतलब दैट सीम्स लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। इसमें मैं एक सेंटेंस भी लिया है मैंने, दिस मोमेंट इज ऑस्पिशियस फॉर अस, मतलब यह जो पल है हमारे लिए शुभ है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यह जो वर्ड है ना यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट यह भी होने वाला है कि इसका मतलब तो मेरे अकॉर्डिंग शायद जो वीडियो देख रहे हैं उसमें कुछ ही लोगों को इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। अबोमिनेबल मतलब होता है यानी गंदा यानी डर्टी। अबोमिनेबल का मतलब होता है क्या, आपका घिनौना, वेरी बैड और अनप्लेजेंट। जैसे इसमें एक सेंटेंस ले लेते हैं तो सेंटेंस क्या होगा, द ड्रेनेज सिस्टम अबोनेबल, यानी बहुत ज्यादा घिनौना गंदा है। इसमें हम बहुत सारे लोग बोल सकते कि जैसे यह पर्सन बहुत ज्यादा गंदा है यानी घिनौना है, तो दिस पर्सन इज अबोनेबल। क्या, दिस पर्सन इज अबोनेबल। सो यह जो वर्ड है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यह तो आप लोगों ने सुना ही होगा, आपने किसी मूवी में सीरियल में यहाँ तक कि जो हमारे रियल कोर्ट होते ना वहां पे भी इसको सुनने मिल जाता है, एडजर्न। क्या, एडजर्न। एडजर्न मतलब को स्थगित करना या किसी चीज को स्टॉप करना या खत्म कर देना। जैसे आपने बोला ना, जब जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, लोग उनकी बात नहीं सुनते तो गुस्से में वो बोलकर चले यार, कोर्ट इज एडजर्न, मतलब कोर्ट को अब स्थगित किया जा रहा है। आई होप आपको ये वर्ड पहले समझ आ गया होगा कि एडजर्न का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, क्लोज द एंड ऑफ अ सीजन, मतलब किसी भी सीजन का एंड करना, जो ये मीनिंग है ना। अब हम इस पे एक सेंटेंस भी जान लेते हैं और एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है आप सभी के लिए, तो क्या है, दिस मीटिंग इज एडजर्न अंटिल दिसंबर 4th।
जो मीटिंग है ना ये एडजेंट की जा रही है कब तक, दिसंबर 4 तक के लिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा, जो मीटिंग है हमारी का 4 दिसंबर तक स्थगित की जाती है। तो एडजेंट का मतलब समझ में आया होगा आप सभी को लिए, और ऐसे जो वर्ड होता है ना एडजेंट, हम तो आप लोग को ये मीनिंग इसलिए भी बताना जरूरी था कि आप लोग सभी लोग टीवी देखते हैं, न्यूज होता है, सीरियल होता है, जैसा बोलते देते हैं ये वर्ड कोर्ट इज अर्जेंट, जो कोर्ट है वो एडजेंट हो गया, बट हमें इसका मीनिंग ही नहीं पता होता है। तो चलिए आप सभी को अगर यह वर्ड नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में एक बार बता जरूर दीजिए कि सर आपसे मुझे यह वर्ड जानने को मिला। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यह वर्ड जो मैंने लिया आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इस चीज में जो भी मैं वर्ड लेने जा रहा हूँ या ले रहा हूँ लूंगा या ले रहा हूँ, तो उन वर्ड को मैंने ऐसे सिलेक्शन लिया है कि जो हमको डेली लाइफ में यूज होना ही है उनका। कड़ी में एक हमारा एक और नया वर्ड जुड़ने जा रहा है, वो क्या है, अमेबल। अमेबल का मतलब होता है सबका प्यारा या सुशील, सबका प्यारा या सुशील यानी बहुत अच्छा। हैविंग अ फ्रेंडली और प्लेजेंट मैनर, एक ऐसा मैनर होना दो मित्रता का और बहुत ही सद्भाव का, ये क्या होता है आपका अमेबल। इस पे अब हम चलिए एक सेंटेंस भी ले लेते हैं। अमेबल का मतलब आप सभी को समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो इस पे आप अपने आप से 3 से 4 सेंटेंस बोल लीजिए। जैसे माय फ्रेंड इज अमेबल, माय स्टूडेंट्स आर अमेबल। आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं वह भी सभी कैसे हैं, अमेबल है। द गर्ल्स आर अमेबल इन हर हाउस, ऑल लव देम, मतलब जो लड़कियां होती हैं वह सभी के घर में कैसी होती हैं, प्यारी होती हैं और सभी उनको प्यार करते हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। यह भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ता है क्योंकि यह भी वर्ड आपको बहुत ज्यादा सुनने में मिलता है, बट मेरे अकॉर्डिंग बहुत से लोगों को इसका मीनिंग पता होगा बट कुछ को पता नहीं होगा। कंडेम, क्या कंडेम, मतलब किसी चीज का कंडेम करना। अब बात आई हमारी कंडेम्ड का, कंडेम मतलब क्या होता है, किसी चीज की निंदा करना। कंप्लीट द डिसअप्रूवल ऑफ सिचुएशन, मतलब एक ऐसी सिचुएशन की पूर्णतः निंदा कर देना या उसको, तो कंडेम का मतलब समझ में आ गया। बहुत से लोग इस वर्ड का यूज करते हैं जब भी कोई भी हमारे यहाँ अटैक होता है या कहीं भी देश विदेश में किसी भी चीज का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों ने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे अदर मंत्री हैं, वो हमेशा इस वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें मैंने एक सेंटेंस भी बनाया है, तो चलिए मैं आपको वो सेंटेंस बताता हूँ। पीएम मोदी कंडेम्ड अ माओस्ट अटैक ऑन सीआरपीएफ जवान। आप सभी को पता है अभी छत्तीसगढ़ में एक अटैक हुआ था जिसमें हमारे 22 जवान वीर गति को प्राप्त हुए और उन पर एक मतलब धोखे से उन पर अटैक किया गया जिसमें हमारे ऑन स्पॉट हमारे 22 जवान शहीद हो गए और उनके लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा, हमको जो माओस्ट होता है ना, हम माओस्ट को कंडेम किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो अब हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो क्या है, कैटास्ट्रोफी। इसका मतलब क्या होता है, तबाही या प्रलय। इन्वॉल्विंग और कॉजिंग अ ग्रेट डैमेज और सफरिंग, एक मतलब इसका क्या है कि बहुत ज्यादा एक जो स्थिति है ना बहुत ज्यादा बिगड़ जाना, वहां पर तबाही आ जाना, वहां पर प्रलय आ जाना। जैसे कि अभी उत्तराखंड में जब 2013 में जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ था ना, उस समय एक क्या आ गया था, कैटास्ट्रोफी, क्या आ गया था, कैटास्ट्रोफी वहां पर हो गई थी। बहुत ज्यादा कैटास्ट्रोफी हुई थी वहां पर, कितने हजारों लाखों लोगों की जान गई या कितने लोग उसमें डैमेज हुए हमको आज तक पता नहीं लग पाया, क्योंकि आज तक पता ही नहीं वहां पर कितने लोगों की जान गई थी। तो आप, मुझे लगता है कि आपको यह वर्ड समझ आया होगा कैटास्ट्रोफी, और हो सके तो आप ऐसे वर्ड को ना अपने साथ कहीं लिख लें और उनका डेली आप उनका यूज भी करें, और आपके लिए एक इम्पोर्टेंट भी बहुत है ये वर्ड। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्या है, वह कर्टियस। मतलब कर्टियस मतलब होता है सॉफ्ट या विनम्र। कर्टियस का मतलब क्या था, सॉफ्ट और विनम्र, मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो पोलाइट है, रिस्पेक्टफुल है या कंसिडरेट है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, कर्टियस। तो कर्टियस कैसे, अब मैंने इस पर बहुत ही प्यारा सेंटेंस लिया, बहुत ही अच्छे इंसान को मैंने यह सेंटेंस बनाया है। आप सभी उनसे जानते हैं और कुछ समय पहले उनका अभी निधन हो गया, मैं उनको बहुत ज्यादा फॉलो करता था। उनकी जो बुक थी विंग्स ऑफ फायर, बहुत ही अच्छी बुक है, आप सभी को अगर मौका मिले तो आप उसे एक बार पढ़ना। उसमें उन्होंने अपने जीवन को बताया कि कैसे उन्होंने इंडिया को एक मिसाइल पावर कंट्री बनाया, और इसीलिए हम उनको आज कहते हैं द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। कौन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। तो मैंने सेंटेंस क्या लिया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वाज अ कर्टियस मैन। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे वो कौन थे, बहुत ही ज्यादा विनम्र और सॉफ्ट नेचर के थे। इन्होंने अपनी पूरी जीवन लाइफ में जो भी इनको पैसा मिला गवर्नमेंट की तरफ से, इन्होंने कभी अपने ऊपर खर्च नहीं किया है। ये बहुत ही अच्छी चीज इनकी मैंने इनसे सीखी है कि इन्होंने अपने ऊपर पैसा कभी खर्च नहीं किया। इन्होंने जितना भी इनको जो पैसा मिलता था ये दान कर देते थे, और जब इनकी डेथ हुई ना तो इनके जब घर पे जाएगा तो सिर्फ इनके घर पे क्या मिला, सिर्फ और सिर्फ इनके 2 जोड़ी कपड़े और कुछ वस्तुएं जो डेली यूज में हुआ करती थी। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ, क्या है हमारा, क्लैमिटी।
क्या क्लाइमेटी यानी आपदा, इसका मतलब क्या होता है, क्लाइमेटी का मतलब क्या होता है आपदा, आ डिजास्टर आर नेचुरल क्लाइमेटी, मतलब एक ऐसा डिजास्टर जो नेचुरल होता है, मतलब इस पे कोई ह्यूमन बींग का कोई कंट्रोल नहीं होता, कब जैसे कभी अभी जस्ट मैंने एक पहले जो वर्ड लिया था ना कैटास्ट्रोफी, इस यह भी उसी जैसे वहां पे कटा, जब यह वर्ड आता ना क्लाइमेटी, जब नेचुरल डिजास्टर आता है कैटास्ट्रोफी होती है वहां पर, और जब इस वर्ड को यूज करेंगे तो इस वर्ड का हम कैसे यूज करेंगे क्लाइमेटी का, द अप्रोचिंग ऑफ हरिकेन श्योर टू बी क्लाइमेटी दैट विल अफेक्ट द मिलियंस ऑफ लाइफ, मतलब जो एक हरिकेन यानी जो हरिकेन एक अभी तूफान था चक्रवात टाइप का, तो हरिकेन जब आया था ना तो हरिकेन में उस समय क्या हुआ था, बहुत मिलियंस ऑफ लाइफ को डैमेज हुआ था हरिकेन से आने से। आई होप आपको यह वर्ड समझ में आया हो क्लाइमेटी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है आपका बैरिकेड, बहुत ज्यादा सुनने मिलता है बैरिकेड, आप हर किसी के शहर में लग जाता है, कभी पुलिस जब चेकिंग कर रही तो वो क्या करती है बैरिकेड लगा देती है वहां पर, क्यों, क्योंकि लोगों को उसको रोकना होता है। तो बैरिकेड का मतलब क्या होता है, बाधा उत्पन्न कर देना यानी उस रास्ते को ब्लॉकेट कर देना। तो आप विच इज ब्लॉक बाय बैरियर, एक ऐसा रास्ता जो ब्लॉक होता है बैरियर के द्वारा, तो बैरिकेड होता है वो, बैरियर को ही हम क्या बोलते हैं बैरिकेडिंग या बैरिकेड। अब बैरिकेड क्यों मैंने लिया है, क्योंकि ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि बैरिकेड का मतलब क्या होता है। अब इस पे बहुत अच्छा सेंटेंस है कि अभी आप सभी देख रहे हैं कि COVID-19 केस फिर से अपने पीक पर जा रहे हैं इंडिया में, और इन केसेस से लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है, तो अब क्या है पुलिस ने फिर से बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी है। तो मैंने क्या सुन लिया, बैरिकेड हैज बीन स्टार्टेड आफ्टर द COVID-19 केसेस और ऑन द पीक, मतलब जो COVID-19 केस बढ़ रहे हैं तो इसलिए बैरिकेडिंग फिर से स्टार्ट हो गई। आई होप आप सबको यह वर्ड समझ में आए होंगे, अगर आपको यह वर्ड समझ में आए तो आप इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बताएं कि जो मैंने ये वर्ड लिए कितने इंपॉर्टेंट है, और हो सके तो आप जितने भी आप सोशल मीडिया हैंडल पर हैं आप उस पे हमको फॉलो करें, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट वी क्लासेस का आप फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे वी क्लासेस के फेसबुक अकाउंट से जुड़ सकते हैं, और बहुत ही जल्द मैं आपको लिए एक अभियान भी चलाने वाला हूँ जिसके माध्यम से मैं लोगों को जोड़ूंगा, और हम लोग एक या दो महीने में एक ऐसा कोर्स भी लेकर आने वाले हैं जिसमें फीस बहुत कम होने वाली है, और इसके जरिए हम आप सभी को इंग्लिश भी सिखाएंगे, सारा जो हमारा सिचुएशन होगी वो सारी ऑनलाइन होने वाली है, और फीस इसकी इतनी नाम मात्र की होगी, क्योंकि यहाँ पे पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, हमारा लक्ष्य जो है लोगों को एजुकेशन देना है।